बालू तस्करी के खिलाफ गुरुवार को प्रशासन ने शास्त्री नगर और बनखंजो घाट में बड़ी कार्रवाई की। यहां SDPO अनिल कुमार सिंह और DMO सतीश नायक के नेतृत्व में छापेमारी कर 5 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम दलबल के साथ मौजूद रहे। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस बाबत SDPO ने कहा कि लगातार इन्हें अवैध रूप से बालू तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई है। इधर DMO सतीश नायक ने कहा कि 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, बालू चोरी का लगातार सूचना मिल रही थी कि शास्त्री नगर में या और अन्य जगहों पर बालू की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। तो उसको सूचना के आधार पर हम लोगों ने आज सुबह में कार्रवाई किया और उसमें 5 ट्रैक्टर को बालू लदे रंगे हाथ पकड़ा गया और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारे टीम में जिला खनन पदाधिकारी गिरिडीह और थाना प्रभारी पचम्बा और URT के जवान और थाना के पुलिसकर्मी शामिल हैं। जिला अंतर्गत बनखंजो नदी के पास हम लोग के द्वारा आज रेड किया गया है, जिसमें SDPO साहब थाना प्रभारी पचम्बा भी मौजूद है, जिसमें 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। उसके बाद हम लोग अगर कार्रवाई इस पर करेंगे।